Hey, what's up guys, welcome back to my channel. तो आज हम खेलेंगे Spider-Man Remastered अपने Asus Scuf F15 के ऊपर। देखते हैं गेम कैसा परफॉर्म करेगा अपना लैपटॉप के ऊपर। और आप देख सकते हैं हमारा गेम यहाँ पर चालू है। अभी मैं आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ग्राफिक की सेटिंग क्या रखी है मैंने, जिस वजह से मुझे यहाँ पर 95 FPS देखने को मिल रहे हैं। वो क्या सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो गाइज, अब गेम शुरू करने से पहले अपन सेटिंग एक बार जाके देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख लो पहले। तो भाई अभी मैंने ग्राफिक सेटिंग रखी है प्रीसेट लो के ऊपर, इसको मैं इंक्रीज भी करूंगा धीरे धीरे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो आपके उसमें कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो गाइस चलें शुरू करते हैं गेम यहाँ पर अपना। तो भाई चलो कूद जाओ नीचे। भाई क्या गेम बनाया इन्होंने यार, मतलब मैं शॉक्ड हो गया हूँ यार। मतलब इतना प्यारा गेम मैंने इतने टाइम बाद खेला यार। आई थिंक PS4 में खेला था मैंने लास्ट टाइम इसको। आज ही रिलीज हुआ है ना ये गेम, आज ही रिलीज हुआ है गेम और आज ही मैंने इसे डाउनलोड किया भाई, और रिव्यू बना रहा हूँ मैं आज ही। और डोंट वरी, इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी। 65 से लेकर तो 70 तक FPS देखने को मिल रहे हैं नीचे, जहाँ पर आप देख सकते हो पूरी न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ पर काफ़ी रश है, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर FPS थोड़े से कम होंगे ही, देख लो। फिर भी काफ़ी अच्छे FPS मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। गेम मेरा काफ़ी स्मूथ है लो सेटिंग के ऊपर, और मैं रिकमेंड करूंगा लो के ऊपर ही खेलोगे तो आपका CPU का टेम्परेचर वगैरह भी सब सही रहेगा यहाँ पर। और अभी मैं आपको बता दूं यहाँ की सिचुएशन रूम की, रूम फैन ऑफ, रूम का टेम्परेचर यहाँ पर लगभग हो रहा है 26। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, भाई कोई है यहाँ पर लड़ने के लायक, किसी से लड़े जाए। भाई गेम बहुत स्मूथ चल रहा है, गेम में कुछ कमी नहीं है यहाँ पर। मारते हैं इन लोगों को अपन यहाँ पर। 5 moves बहुत प्यारे हैं यार इस गेम में, मतलब एक से एक फाइटिंग मूव्स है यार। अभी खेल रहा हूं यार फर्स्ट टाइम, तो मेरे को इतना पता नहीं है अभी, बट फाइटिंग मूव्स काफी अच्छे हैं। मैंने 3-4 मिशन ही करे होंगे इसके अंदर, अभी बस फोड़ दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर भी फोड़ना पड़ेगा यार, कब से मस्ती कर रहा है ये। चल बे जा, गया है तो काम से भाई। और गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है, आप देख सकते हो मेरे CPU का टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है भाई, 90 से नीचे है। रूम फैन ऑफ है, 26 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, तो उस हिसाब से मेरे लैपटॉप का टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट अभी सेटिंग लो भी है, अभी सेटिंग अब बढ़ाएंगे तो पता चलेगा हमें यहाँ पर सही साठ। तो गाइज वापस से मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पर, तो आप देख लो मुझे 65-68 FPS देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अभी मैंने FSR वगैरह कुछ इनेबल यहाँ पर नहीं किया है गाइज, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइज आपने लो में देख लिया गेम, अपन सेटिंग को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, मीडियम के ऊपर लेके जाते हैं। तो गाइज हमारी सेटिंग अब मीडियम के ऊपर मैंने कर ली यहाँ पर, आप देख लो पूरी सेटिंग में आपको दिखा रहता हूँ एक बार नीचे ले जाकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ये है मीडियम सेटिंग इसकी। तो अब अपन चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइज ये हो गई हमारी मीडियम सेटिंग, और आप देख सकते हो FPS थोड़े से कम हो गए यहाँ पर, बट गेम का लुक काफ़ी अच्छा हो गया। आई डोंट नो कैमरे के अंदर आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बट आंखों से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गाइज आप पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा गेम के साथ चलेगा, मतलब सारी सेटिंग मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इस लैपटॉप के ऊपर। तो आप देख लो जैसे ही मैंने सेटिंग को मीडियम के ऊपर करा है तो FPS मेरे थोड़े से कम हो गए, वरना मुझे 70 तक FPS देखने को मिल रहे थे इस गेम के अंदर। कौन है यहाँ पर, चलते हैं ऊपर। ऊपर गुंडे खड़े आई थिंक, तो उनको पीटेंगे ऊपर चल गए। ये खड़े हुए यहाँ पर नीचे, चल बे। अरे यार इसको पड़ेगी यार, ये बहुत खतरनाक है, ये तो गया काम से, भारी गया भाई ये तो, एक नंबर भारी गया। तो आप देख सकते हैं वो उड़ते हैं हवा में, थोड़ा सा आपको मैं जिगजैग करके तो दिखा दूं यार, जो इस गेम की खासियत है तो वो तो मैं दिखा दूं आपको। बहुत सही गेम है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस 2022 में मैंने गॉड ऑफ वॉर के अलावा एक यही गेम खेला जो मुझे इतना पसंद आया भाई, मैं बता नहीं सकता। इस गेम को दिल से पूरा कंप्लीट करने की इच्छा हो रही है यार, इस गेम को पूरा ख़त्म करेंगे, स्टोरी पूरी इसकी कंप्लीट करेंगे। मैंने इस गेम को खेला है PS4 के अंदर, पहले एक बार खेला है, बट मैंने ज़रा सा चेक किया था तो मुझे तब से ही था कि गेम कब PC में आएगा और मैं कब इसे खेलूंगा यार। काफ़ी मस्त गेम है, बहुत सही चल रहा है, देख लो गाइस आप, बहुत अच्छा चल रहा है। बट अगर आप खेलेंगे ना भाई आपको मस्त मज़ा आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो लेके आऊँ गेम प्ले की, तो आप
मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा इसकी, तो आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस गेम का, उसमें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा गेम। मतलब अभी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो ऑब्वियसली, तो इतना आपको नहीं समझ में आएगा अभी। तो गाइज आप देख सकते हो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा मीडियम सेटिंग के ऊपर भी। तो अब सेटिंग को गाइज अपन चेंज कर लेते हैं, अब सेटिंग को ओपन करते हैं हाई के ऊपर, देखते हैं कितने एफपीएस अपने को मिलते हैं। तो गाइज आप वहां पे देख सकते हैं अभी प्रीसेट मीडियम के ऊपर सेट किया, तो अब मैं इसको कर लेता हूं हाई के ऊपर यहां पर। तो ये भाई हाई के ऊपर हो गई है, अब इसके अंदर कुछ ओके करने की जरूरत नहीं, ना ही गेम को रिस्टार्ट करने की जरूरत है, डायरेक्ट चल जाता है गेम। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं अपन। तो गाइज ये हो गया हमारा गेम हाई के ऊपर। आप मोशन ब्लर को नोटिस कर सकते हैं, ये मोशन ब्लर है, इसको नोटिस कर सकते हो आप, ये हाई के ऊपर हो गया गेम यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मेरे एफपीएस यहाँ पर गिर गए हाई के ऊपर आते ही। चलो कूद जाओ भाई नीचे, अब मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। चलो तो भाई डेफिनेटली हाई के ऊपर जाते ही गेम के ग्राफिक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच गए यहाँ पर, और आप देख सकते हो मोशन ब्लर इनेबल हो गया है और एफपीएस मेरे 50 के नीचे हो गए हाई सेटिंग के ऊपर, और रैम देख लो 13 GB के लगभग यूज हो रही है यहाँ पर। अभी भी प्लेएबल गेम है भाई, बहुत अच्छे एफपीएस यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और मुझे बिल्कुल प्लेस्टेशन वाली फीलिंग आ रही क्योंकि मैं इस कंट्रोलर से इस गेम को खेल रहा हूँ। कीबोर्ड माउस से इस गेम को कौन खेलेगा यार, कंट्रोलर से एक नंबर चल रहा है गेम। ये गेम तो भाई कंट्रोलर से खेलने के हैं यार, सोनी के जितने भी गेम आप कंट्रोलर से खेलो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा हर गेम के अंदर, चाहे वो ये वाला गेम हो या गॉड ऑफ वॉर हो या डेट्रॉइट, जो भी गेम आप खेलो सोनी के सारे ही बेस्ट होते हैं। सोनी के गेम्स की बात ही अलग है भाई, जो गेम सोनी की तरफ से आते हैं ना मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं वो। तो भाई देख लो मोशन ब्लर क्या नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और रैम मेरी यहाँ पर देख लो 14 GB के लगभग यूज हो रही है, पर सीपीयू टेम्परेचर से भाई मैं काफी इंप्रेस हूँ, अभी भी 90 के नीचे रख रखा है इसको भाई। इतनी गर्मी है यहाँ पर, 26 डिग्री रूम टेम्परेचर कम नहीं होता भाई, और फैन भी ऑफ है उसके अंदर, फिर भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 90 के नीचे रख रखा है टेम्परेचर, जो कि अच्छी बात है। पूरा न्यूयॉर्क सिटी आपको देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर, जो कि भाई एकदम इन्होंने रियलिस्टिक बनाया है यहाँ पर, आप कुछ भी आपको नकली बिल्कुल नहीं देखेगा। अगर आप न्यूयॉर्क गए होगे या आपने देखी होगी इसकी वीडियो वगैरह, तो आपको बिल्कुल एक एक जगह याद आ जाएगी भाई। भाई पानी में कूद गया मैं नीचे यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के चक्कर में, देख लो सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिख रही है। तो भाई डिट्टो न्यूयॉर्क शहर इसके अंदर डाला है यहाँ पर, जिससे एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल आपका हो गया है। सो भाई आप इसको हाई के ऊपर खेल सकते हैं, लो के ऊपर खेल सकते हैं, मीडियम के ऊपर भी खेल सकते हैं। भाई मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस गेम को चलाओ लो सेटिंग के ऊपर, तो आपको वहां पर अच्छे एफपीएस देखने को मिलेंगे, लगभग 70 FPS आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका गेम प्ले काफी स्मूथ बना देंगे। और अब इन गुंडों से फाइट लड़ना है अपने को, चलो भाई हट जाओ। भाई हट जा, भाई मैं खेलना सीख गया उस गेम को यार, मजा आ रहा है। इसके अंदर आप किसी निर्दोष इंसान को नहीं मार सकते जैसे आप उसको मार सकते हैं, आई थिंक ये 18+ गेम नहीं है। मतलब जो लोग हैं ना रोड पे चल रहे हैं उनको आप हर्ट नहीं कर सकते, किसी को भी ना गाड़ियां फोड़ सकते हो, गाड़ियां फोड़ सकते हो बट आप गुंडों की गाड़ियां फोड़ सकते हो, मतलब जो रोड पे चल रहे हैं लोगों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मे बी 18+ का कुछ सीन होगा यहाँ पर, वो सीन इसलिए भी होगा क्योंकि बच्चे स्पाइडरमैन के काफी फैन है यार, ये बच्चे तो डेफिनेटली इस गेम को ट्राई करने ही वाले हैं, बच्चे के हम ही यार, हमने बचपन में बहुत देखा है। तो भाई देख लो मस्त एक्सपीरियंस इस गेम के अंदर मेरे को देखने को मिल रहा है, आपको भी आई थिंक गाइज आपको भी पूरा आइडिया लग जाएगा इस गेम का यार। पर गाइज मैं आपको बता दूं ये गेम ओरिजिनल है, तो जैसे ही गेम रिलीज हुआ तो मेरे दोस्त ने इसको बाय किया, तो मैंने उससे बोरो किया था, मेरे को गेम रिव्यू करना था, तो भाई मैंने उसकी आईडी ली और मैं अपने लैपटॉप में इस गेम को इंस्टॉल किया मैंने। उसने बाय किया था स्टीम से, 4000 रुपये उसने पे किए इस गेम के लिए, मतलब वो इतना बड़ा फैन है इस गेम का। और डेफिनेटली इस गेम के अंदर अभी अपडेट्स आएंगे फ्यूचर में, तो भाई ये और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, अभी भी इतना है भाई ये, मतलब पहला ऐसा गेम देखा भाई जो अभी रिलीज हुआ है एंड इतना ऑप्टिमाइज है यार, इतना ऑप्टिमाइज गेम मैंने अभी तक नहीं देखा है पीसी के अंदर, जो अभी रिलीज हुआ है एंड अभी से ही ऑप्टिमाइज है, कुछ ज्यादा इसके अंदर करने की जरूरत भी नहीं है। चलो चलते हैं, गुंडों की गाड़ी है वहां पे नीचे शायद, भाई आ गए हम गुंडों की गाड़ी पे, यहाँ पर मारते हैं इसको भयंकर। एक तो गया भाई, ये भी गया, इसको भी फेंक देंगे हम गाड़ी से बाहर यहाँ पर, और गाड़ी ठुक नहीं जाए हमारी, इसको भी फेंको भाई गाड़ी से बाहर, ये उतरे हम नीचे मस्त। सीन देखो भाई क्या सीन है, एक नंबर सीन है भाई।
भाई गेम इतना धांसू बनाया ना, एक नंबर गेम बनाया इसको। तो भाई मैंने इस गेम की सारी सेटिंग कवर कर दी, आई होप आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड का। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।